अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने आईफोन पे वेबसाइट्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। गाइस, प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो प्रोसेस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वीडियो समझ में ना आए, आपके पास प्लेबैक का ऑप्शन है, आप थोड़ा सा पीछे जाके उसको देख सकते हैं। गाइस, आपको नज़र आ रहा होगा सामने मेरी आईफोन की स्क्रीन पर एक सेटिंग्स का आइकन है, मैं उसको क्लिक कर लूँगी। गाइस, उसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो चुका है। गाइस, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना स्क्रीन टाइम वाला मेन्यू ढूंढ लेना है और उसको क्लिक कर लेना है। गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी स्क्रीन पे स्क्रीन टाइम का मेन्यू शो हो रहा है और मैं उसको क्लिक कर लूँगी। गाइस, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस का एक ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक कर लेंगे। गाइस, इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपने कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस को क्लिक कर लेना है। गाइस, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो चुका है, जिसमें मेरे पास एक वेब कंटेंट का ऑप्शन है, मैं उस वेब कंटेंट के ऑप्शन को क्लिक करूंगी। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सारे वेब कंटेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप अलाउड वेबसाइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं, जो जो सी आप अलाउ करना चाहते हैं। गाइस, ये एक सिंपल प्रोसेस है जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं अपने आईफोन पे। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके किसी काम आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके किसी काम आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।